फ्लैग पॉलिटिक्स में फिर से फंसे राहुल गांधी। 2019 के लोकसभा चुनावों में जिस झंडे के होने के कारण परेशानी हुई थी, इस बार उस झंडे के ना होने के कारण राहुल गांधी को हो रही है परेशानी। लेफ्ट और राइट दोनों के निशाने पर इस वक्त है राहुल गांधी। देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि केरला की वायनाड सीट से राहुल गांधी इस बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने नामांकन किया, उसके बाद एक रैली की उन्होंने वायनाड के अंदर, और यहां उन्हीं के गठबंधन वाली एक पार्टी का झंडा ना होना अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। लेफ्ट भी उन्हें निशाने पर ले रही है और बीजेपी भी निशाना साध रही है। सबसे पहले ये जो पूरा मामला है आप वो समझिए। कई तरह के गठबंधन आपने सुने होंगे, एनडीए, यूपीए, इंडिया गठबंधन, लेकिन केरला के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो है यूडीएफ, और इसी की एक पार्टी है आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसका जो झंडा है वो पाकिस्तानी झंडे से लगभग मिलता जुलता है, हूबहू तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन लगभग मिलता जुलता है, और इतना मिलता जुलता है कि आप भी अगर देखेंगे तो एक बार को चौंक जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये आईयूएमएल का झंडा है या फिर पाकिस्तान का झंडा है। तो इसी झंडे वाली जो पार्टी है वो यूडीएफ का हिस्सा है, यूडीएफ यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक गठबंधन जो कि केरला में है। तो आईयूएमएल का जो झंडा है वो भी आपको बताती हूँ, हरे रंग का निशान जैसा पाकिस्तानी झंडे का है, वो हरे रंग के ऊपर चांद और तारा वैसे ही बना हुआ है। पाकिस्तानी झंडे में ये दाहिने हाथ की तरफ चांद और तारा होता है, अगर हम आईयूएमएल के झंडे की बात करें तो वो बाईं तरफ को चांद होता है और उसमें तारा होता है, बस इतना ही फर्क है। एक में जो चांद है वो दाहिनी तरफ है, दूसरे में जो चांद है वो बाईं तरफ है। सितारा वैसे ही बीच में दिखाई देता है और हरे रंग का तो बहरहाल झंडा है ही। तो 2019 में जब राहुल गांधी ने चुनावी रैली की थी, उस वक्त साथी सहयोगी दल जितने हैं वो भी तो वहां पर रहेंगे और उनका झंडा भी दिखाई देगा। तो 2019 के चुनावों के समय यही आईयूएमएल का झंडा उनकी रैली में लहराता रहा। बाद में बीजेपी ने यह कहा कि ये तो पाकिस्तानी झंडे के साथ राहुल गांधी चुनावी रैली में पहुंचे थे। बहुत से ऐसे लोग थे सोशल मीडिया के ऊपर जो अंतर नहीं कर पाए थे, और उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तानी झंडा लहराता दिखाई दिया राहुल गांधी की रैली में। अब केरला में तो इससे नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि केरला में 20 लोकसभा की सीटें हैं, 19 यूपीए के पास गई, लेकिन नुकसान होता है उत्तर भारत में। पाकिस्तानी झंडा या अगर हम हरे और नारंगी रंग की बात करें तो इसका नुकसान कांग्रेस को उत्तर भारत में होता है, और वो 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया। बस इसी से सीख ली कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, और इस बार जब चुनावी रैली वायनाड में की राहुल गांधी ने तो ना वहां हरा रंग दिखाई दिया, ना आईयूएमएल का झंडा वहां पर दिखाई दिया, दिखाई दिया तो भारत का झंडा और नारंगी रंग के गुब्बारे। अब लेफ्ट ने यह कहा, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के आगे कांग्रेस झुक गई है, अब इस स्तर तक गिर चुकी है कांग्रेस, और यही वजह है कि उसकी ही सहयोगी पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनका वोट तो कांग्रेस चाहती है लेकिन उनका झंडा दिखाना नहीं चाहती है। बीजेपी ने भी घेरा कांग्रेस को, बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेरा। बीजेपी ने यह कहा कि आप केरला के अंदर चाहे भले ही अपने प्रेम को छुपा लो पाकिस्तान से, चाहे भले ही अपने प्रेम को छुपा लो आईयूएमएल से, लेकिन उत्तर भारत में ये जो प्रेम है वो जगजाहिर हो ही जाता है। वहां झंडा भले मत दिखाओ, छुपा लो, लेकिन उत्तर भारतीय उस प्रेम को पहचान ही जाते हैं। तो वो एक झंडा जो 2019 में राहुल गांधी के लिए परेशानी खड़ी करता दिखाई दिया था, वही झंडा फिर से 2024 में भी परेशानी खड़ी कर रहा है राहुल गांधी के लिए। तो क्या अपने और क्या पराए दोनों इसी झंडे के कारण राहुल गांधी को परेशान इस वक्त कर रहे हैं, और ये आईयूएमएल का जो झंडा है क्या पाकिस्तानी झंडे जैसा वाकई प्रतीत होता है? आपको भी ऐसा लगता है? और ये झंडा ना होना भी क्या उत्तर भारत में तो कांग्रेस को परेशान ही करेगा और वोट उसका छीनेगा ही? राय आपकी क्या है कॉमेंट सेक्शन में बताइए।